ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश के ज्यादातर राज्यों में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है और शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ और जगदलपुर में शराब की दुकान प्रतिदिन की तरह ही ग्राहकों की चहल पहल से गुलजार थी। सुबह से ही लोग लाइन लगाकर शराब दुकानों के सामने खड़े हो गए थे। पुलिस और आबकारी के जवान इस दौरान व्यवस्था कायम करने का प्रयास करते दिखे। वहीं पिछले 2-3 दिनों में ही स्टॉक खत्म होने के कारण नए स्टॉक भी मंगा लिए गए हैं। इस दौरान न्यू बस स्टैंड रोड स्थित शराब की दुकान में आए हुए शराब की स्टॉक को अनलोड किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन शराब मंगवाने के लिए एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए आवश्यक जानकारी देने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर तक अधिकतम 3000 मिलीलीटर या 4 बोतल शराब मंगवा सकता है और इस सेवा के लिए 120 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस विषय में शराब की डिलीवरी कर रहे डिलीवरी बॉय ने प्राइम न्यूज 24 से जानकारी साझा की। क्या नाम है आपका? एलएस कुमार जी राम। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी होम डिलीवरी कर रहा हूँ। अच्छा, वाइन शॉप से। कितना वाइन लेके जा रहे हो आप होम डिलीवरी के लिए? अभी बियर ही ले जा रहा हूँ, 4 बियर है। कौन कौन से मोबाइल लेके जा रहे हैं? ये है पथरा गुड़ा के जा रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शराब दुकानें खुली रहने के संबंध में आबकारी विभाग का कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ नहीं बोला, पर ऑफ द कैमरा उन लोगों ने बताया कि दुकानों को बंद करने के संबंध में किसी भी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जगदलपुर से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। तो आप क्या कर रहे हो? अभी डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। तो कितना डिलीवरी ले जा रहे हो? अभी मैं एक डिलीवरी लेकर जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे? PWD मेन ब्रांच ATM के पास। ठीक।